नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका खुशबू सिंह। कैसे हैं आप लोग? पिछली वीडियो में बच्चों मैंने आप लोग को भाषा के बारे में बताया था, जिसका अभ्यास कार्य मैं आप लोग को आज कराने जा रही हूँ। भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। विचार का मतलब आप लोग के समझ में आ रहा है बच्चों? विचार जैसे हम अपनी बात किसी से कहते हैं वो हमारे विचार हो गए, या आप अपनी बात किसी से बताते हैं वो आपके विचार हो गए। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलने और सुनने को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आप अपने मुंह से कुछ बोल रहे हैं, अगला उसे सुन रहा है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखने और पढ़ने को लिखित भाषा कहते हैं। लिखने और पढ़ने को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तक पर कुछ लिखा है, आप उसे पढ़ रहे हैं, तो वो लिखित भाषा है। बच्चों, जो मैंने आप लोग को आज वीडियो के माध्यम से बताया है, उसकी पुनरावृत्ति आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।